कहते हैं कि जीवन में अच्छे काम करने से इंसान को मरने के बाद स्वर्ग मिलता है। ये बात हर धर्म में बोली गई है। स्वर्ग जाना इंसान के कर्मों पर निर्भर करता है, पर ये बात कितनी सच है ये कोई जानता नहीं है। मरने के बाद स्वर्ग नर्क ना जाके इंसान का पुनर्जन्म भी हो सकता है, ये सब बात का कोई पक्का सबूत नहीं है। लेकिन अगर धरती पे स्वर्ग देखने मिल जाए तो? ऐसे कहने पर मेरी दोस्त बोली कि हाँ क्यों नहीं, रात को नींद में देख लेना स्वर्ग। कैसे बेवकूफों वाली बात कर रही है धरती पे स्वर्ग? अभी के वक्त में इंसान को शांति सुकून वाली जगह मुश्किल से मिलती है, स्वर्ग कैसे देख सकते हैं? और देख सकते हैं, और वो भी दुनिया के फेमस कंट्री चाइना में स्वर्ग देखना संभव है। ये सुनते ही उसकी एक्साइटमेंट और ज्यादा बढ़ गई कि चाइना में स्वर्ग भी है। तब मैंने उससे ये इन्फॉर्मेशन शेयर की जो मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने जा रही हूँ और काफी एक्साइटेड हूँ। तो आइए जानते हैं इस स्वर्ग जाने वाले दरवाजे का राज। तो अब शुरू करने से पहले हमारे चैनल से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल आस्काई गुरु को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की और जानते हैं कि स्वर्ग जाने की सीढ़ियां कहां से होके गुजरती है। स्वर्ग जाने के लिए सिर्फ 999 स्टेप्स चढ़ने हैं। 5000 फीट दूर है स्वर्ग का दरवाजा। उफ, इतनी सीढ़ियां चढ़नी होगी। अब स्वर्ग देखना है तो वहां जाना थोड़ा मुश्किल तो होगा ही, लेकिन साल 2005 में स्वर्ग पहुंचने का रास्ता रोपवे की वजह से थोड़ा आसान हो गया है। ये सुन के कई लोगों के दिल में से सीढ़ियां चढ़ने का टेंशन निकल गया। स्वर्ग का दरवाजा चाइना में है ये तो पता चला है, पर चाइना में एग्जैक्टली कहाँ है? स्वर्ग की ओर जाने वाला रास्ता कहीं और नहीं, चाइना के टियनमेन माउंटेन पे है। इस माउंटेन की हाइट 131.5 मीटर यानी कि 431.4 फीट है और इस माउंटेन के टॉप पे दुनिया का सबसे बड़ा केव है जिसे स्वर्ग का दरवाजा कहा जाता है। लेकिन इसे स्वर्ग का दरवाजा क्यों कहा जाता है? तो ये केव माउंटेन टॉप पे इतनी ऊंचाई पे है कि वहाँ जाने पे सफेद बादल भी पास में दिखते हैं। सच्ची में लगेगा कि हम स्वर्ग आ गए हैं। जानते हैं कि माउंटेन और स्वर्ग का रास्ता डिस्कवर कैसे हुआ। हिस्ट्री ऑफ टियानमेन माउंटेन। 20th सेंचुरी में एक पहाड़ का एक हिस्सा टूट जाने से इस केव का पता चला। इस केव की शुरुआत एक वाटरफॉल से हुई थी। वाटरफॉल की अद्भुत बात ये थी कि ये सिर्फ 15 मिनट के लिए दिखाई देता था। उसके बाद ये वाटरफॉल कहाँ गायब हो जाता था ये कोई नहीं जान पाया, और अब भी वाटरफॉल दिखाई भी नहीं देता है। यहाँ पे बुद्ध टेम्पल भी है जहाँ लोग शांति और ध्यान के लिए आते हैं। मौका मिला तो जिंदगी में शांति और सुकून का रियल एक्सपीरियंस यहाँ पे जरूर करना चाहिए। कितनी इंटरेस्टिंग और अद्भुत लग रही है इस टियानमेन माउंटेन की बातें। और भी कुछ बातें शेयर करने के लिए मैं एक्साइटेड हूँ। और हाँ, इस जगह को डोर टू हेवन भी कहा जाता है। अब कुछ ऐसा जानते हैं जो सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस माउंटेन पे एक पूल भी बना है जो दुनिया का सबसे बड़ा पूल माना जाता है। खतरों से खेलने का शौक हो तो ये जगह उसके लिए काफी फेमस है। टियानमेन माउंटेन पे एक ऐसा रास्ता है जो ट्रांसपेरेंट ग्लास से बना है और इस पे चलते वक्त आप खुद को आसमान के पास महसूस करते हैं और इसीलिए इसे स्काई वॉक भी कहा जाता है। लेकिन जो लोग दिल के कमजोर हैं और ऊंचाई से डरते हैं, ऐसे लोगों को यहाँ पे जाना सेफ नहीं है। स्काई वॉक पे चलते वक्त आप ऊंचाई से आसपास की गहरी खाई, विशाल पर्वत और नदियाँ भी देख सकते हैं। इन अद्भुत नजारों के सिवा एक और अनोखा नजारा है यहाँ पे, जो है 99 बेंड्स वाला जिगजैग रोड। और इस जिगजैग रोड पर हर साल कार रेसिंग का कॉम्पिटिशन भी होता है और ये जिगजैग रोड दुनिया में ड्राइविंग के लिए सबसे डेंजरस माना जाता है। इस रास्ते का हर टर्न काफी खतरनाक है। तो ये थी टियानमेन माउंटेन की कुछ अद्भुत बातें। लेकिन इस स्वर्ग के रास्ते पे पहुँचे कैसे? यहाँ जाने के लिए दो रास्ते हैं, एक तो जिगजैग रोड्स वाला और दूसरा रोपवे वाला। रोपवे से जल्दी और आराम से यहाँ पहुँचा जा सकता है। ये रोपवे का रास्ता साल 2005 में कंस्ट्रक्ट किया गया है और ये लॉन्गेस्ट पैसेंजर रोपवे है जिसमें 98 कार्स है। इस रोपवे की लेंथ 7455 मीटर यानी कि 24,459 फीट है
और इस वजह से इस रोप वे का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी मेंशन किया गया है। ये जगह इतनी अद्भुत और इंटरेस्टिंग है कि इसकी तारीफ के लिए वर्ड्स भी कम पड़ रहे हैं। इतनी बातें सुन के इस जगह जाने की एक्साइटमेंट मुझे तो बहुत है। आज के वक्त में ये जगह टूरिस्ट का भी एक फेवरेट डेस्टिनेशन बन गया है। तो आपके इस वीडियो पे क्या व्यूज है वो कमेंट में जरूर बताना, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। और अगले वीडियो तक के लिए अलविदा दोस्तों, धन्यवाद।